नमस्कार। लद्दाख के पास गलवान वैली में जो कल चाइनीज आर्मी फोर्स के साथ हमारे हिंदुस्तानी जवान की जो भिड़ंत हुई, उसमें हमारे 20 जवान और हमारे कर्नल जो साउथ के थे शहीद हुए। 45 साल बाद ये हुआ जो इतनी बड़ी कैजुअल्टी हुई हमारी चाइना के साथ इसमें, और ये बहुत बड़ी बात है। मैं वो सारे सैनिक फौजी जो शहीद हुए, मैं उनको जय हिंद के साथ नमन करता हूं और उनकी शहादत बेकार नहीं जाएगी। चाइना या उसके अगल बगल जितने पड़ोसी मुल्क हैं जिनकी जिनको दिक्कत है हमारे से या हमारी ग्रोथ से या हमारे देश की शांति जो शक्ति के साथ तरक्की कर रही है, या जिनको तकलीफ है हमारे प्रधानमंत्री से, वो सब कान खोलकर सुन लें। अभी हिंदुस्तान 1962 वाला नहीं है। चाइना ये गलतफहमी में है। और अभी जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं तो हम अमेरिकन इंटेलिजेंस से रिपोर्ट आई है कि 35 लोग चाइना से मारे गए। वैसे चाइना ने इसका कोई कंफर्मेशन नहीं दिया कि उनकी कैजुअल्टी कितनी। तो ये भारतीय फौज है, ये भारतीय सैनिक है, ये ऐसे नहीं शहीद होते हैं। बहुतों को मार के शहीद होते हैं, क्योंकि भारत माता की शक्ति और उनकी रक्षा, और वो सारे राजनीतिक दल जो इसमें भी राजनीति कर रहे हैं, मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, ये फौज है, ये फौज देश की सेना है, देश की सेना है, किसी पार्टी की सेना नहीं है। इनका सम्मान करिए, इनका मनोबल बढ़ाइए, तोड़िए मत। समय देश का कठिन चल रहा है, लेकिन चाइना या ऐसे जो भी लोग हैं, हम उन लोगों से लड़ने की क्षमता रखते हैं और हम लोग लड़ेंगे। अगर हमारे सम्मान पर, हमारे देश पर, या हमारी 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 सभ्यता पर, या संस्कृति पर, या हमारी जमीन पर कोई आंच आएगी, हम सब लड़ेंगे। जय हिंद, भारत माता की जय।